दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री और विकास मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने मुख्य रूप से ग्राम विकास योजनाओं पर चर्चा की। मंत्री गोपाल राय ने बैठक में कहा कि दिल्ली के अंदर जितने भी गांव हैं उनके विकास के लिए केजरीवाल जी ने ग्रामीण विकास बोर्ड के ग्राम विकास बोर्ड में तब्दील किया है, जिसके चलते अब ग्राम विकास बोर्ड दिल्ली के शहरी गाँव में जो अथोराइज नहीं है उसके लिए काम किया जाएगा। इसी क्रम में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 194 गांवों में विकास कार्य होगा। साथ ही अब जो बजट पास हुआ है उसमें लगभग 1000 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर शहरी और ग्रामीण एरिया में जितने गांव हैं उनके विकास के लिए दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जो ग्रामीण विकास बोर्ड हुआ करता था उसको ग्राम विकास बोर्ड में तब्दील किया गया। पहले जो ग्रामीण विकास बोर्ड था उसे केवल ग्रामीण क्षेत्र में उन गांवों में विकास करने के एथराइजेशन था जो अर्बनाइज नहीं हुए थे, लेकिन अब जो ग्राम विकास बोर्ड है, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड है, वो दिल्ली के सभी शहरीकृत गांव और जो शहरीकृत नहीं है, अर्बनाइज नहीं है, उन सभी गांवों में ये बोर्ड काम करता है। आज नए साल में इस बोर्ड की समीक्षा बैठक आज रखी गई थी, जिसमें गांव के विकास में अब तक क्या स्थिति है उसको लेकर के जो समीक्षा की गई। दिल्ली में अभी तक बोर्ड की इससे पूर्व जो बैठकें हुई हैं उसमें 194 गांवों में जो मैक्सिमम 45 विधानसभा के अंदर आती हैं, जिसमें मेजर्स गांव में, उन 45 विधानसभा क्षेत्रों में 194 गांव के अंदर लगभग 564 परियोजनाओं को बोर्ड ने मंजूरी दी थी, जिसकी लागत लगभग 769 करोड़ रुपए बोर्ड ने पास किए थे। आज की बैठक में लगभग 250 करोड़ के नए सड़क के, नालियों के विकास के प्रस्ताव बोर्ड के सामने माननीय सदस्यों ने सबमिट किए हैं।